नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांटसैप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से ट्रेडर्स जाकर कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, राइट? सो कंपैरेटिव एनालिसिस, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। हो सकता है हम ओपन इंटरेस्ट को जाकर कंपेयर करते हैं, कुछ किसी टाइप का कोरिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट हम उसको जाकर एक्सप्लॉइट कर सके। तो इस चीज़ को मैन्युअली जाकर एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो हमने एक सिंपल सा टूल बनाया है कंपैरेटिव एनालिसिस नाम का, जो आपको इस चीज़ में थोड़ा हेल्प करेगा। तो आइए हम उसके बारे में सीखते हैं। आर यू न्यू टू क्वांटसैप? साइन अप टू द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड अवेल द स्पेशल बेनिफिट। सो स्कैन ऑप्शन में अगर आप वेब ऐप में आओ तो स्कैन ऑप्शन के अंडर आपको देखेगा हिस्टोरिकल फ्यूचर्स में कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इसे आप ओपन कर लीजिए, ये एक फ्यूचर बेस्ड टूल है। इसमें आप सिंबल ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर निफ्टी एडेड है, तो मैं लेट्स से बैंक निफ्टी ऐड कर लेता हूँ जस्ट फॉर कीपिंग थिंग्स सिंपल। तो बैंक निफ्टी एडेड है यहाँ पर, ठीक है। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने दोनों ऐड कर लिया है। अभी ये जो है लाइन ग्राफ, ये आपको बताएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आप कहीं पर भी जाकर क्लिक कर सकते हो, और टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगा द पर्पल लाइन इज बैंक निफ्टी एंड द ब्लू लाइन इज निफ्टी। तो उसके बेसिस पे आप जाकर देख सकते हो कि कितना मूव आया है, कितना परसेंटेज चेंज रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आप फ्रॉम डेट सेट कर सकते हो, कितना हिस्टोरिकल डेटा देखना है आपको। उसके साथ आप की के अंडर प्राइस चेंज, ओआई चेंज, आईवी और रोल ओवर का डेटा देख सकते हो। लेट्स से मुझे प्राइस नहीं देखना, मुझे ओआई चेंज देखना है कि कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो वो आप देख सकते हो। अगर मुझे लेट्स से आईवी का डेटा देखना है तो वो भी आप देख सकते हो कि कहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज, कौन से स्क्रिप्ट की ज़्यादा है। आप मल्टीपल स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दो तीन स्क्रिप्ट ही ऐड करो आप। आरती इंडस्ट्रीज भी आपको ऐड करना है, लेट्स से आपको ACC भी ऐड करना है, ये सारे स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप ये डेटा देख सकते हो, ठीक है। आई रिमूव दिस, ठीक है। अभी इस केस में यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे एक टैबुलर फॉर्मेट का ऑप्शन भी है, तो अगर आपको टैबुलर फॉर्मेट में डेटा देखना है तो आप टैबुलर फॉर्मेट में भी डेटा जाकर देख सकते हो। सो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स कि आपको क्या देखना है। तो प्राइस चेंज की कंपैरिजन में परसेंटेज चेंज है प्राइस का, तो बैंक निफ्टी एक्चुअल में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट से गिरा है, वेयर एज निफ्टी 3% से ऊपर आया है। तो यही चीज़ें आप जाकर ट्रैक रख सकते हो। अगर मैं चार्ट पे भी देखूँ तो चार्ट में भी आप जाकर देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों यहाँ पर स्टार्ट की थे, वहाँ से निफ्टी हैज एक्चुअली मूव्ड अप और बैंक निफ्टी एक्चुअली नीचे गिरा है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आई होप आपके जो एनालिसिस है इसमें थोड़ा सा हेल्प करेगा, थोड़ा सा मे बी यू नो स्ट्रेंथन करेगा आपके व्यू को, और उसके बेसिस पर आप ट्रेड को एक्सप्लॉइट कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।